मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के सोंटा गांव में अचानक शॉर्ट सर्किट से एक शेवरलेट कार में भयंकर आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही मिनटों में कार जलकर राख हो गई। कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर कर्मी मौके पर पहुंचे कार जलकर राख हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि कार सवार दंपति घर में होने वाली शादी के कार्ड बांटने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में ये घटना हो गई। फायर विभाग के कर्मचारी MS कामबेस ने बताया कि सूचना पर दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये गाड़ी में सूचना मिली थी कि लगभग 3:05 पर के सोंटा फाटक के थाना मंदूर में फाटक के पास एक गाड़ी में आग लगी है। तुरंत हमारी दो गाड़ियों ने घटनास्थल के लिए रवाना हुई और साथ साथ में CFO वाले भी गाड़ी के साथ साथ रवाना हुए। घटनास्थल पर जाकर देखा कि गाड़ी में फटक से पहले ही एक गाड़ी में आग लगी हुई थी। दूसरी आग को हमने गाड़ी वगैरह बंद करके उसको बुझा दिया। पता चला कि इसमें एक व्यक्ति था, एक उसकी पत्नी थी। उन्होंने आग लगने के बाद उसको जान बचाई और गाड़ी को पूर्ण रूप से बुझा कर आग को हम वापस आ गए, फायर स्टेशन को वापस आ गए। और गाड़ी शेवरलेट कंपनी की थी, सेल गाड़ी थी और इसका नंबर था DL9CT989। आग का कारण क्या है? आग का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आया थी और उसके ज्यादा जानकारी दी जाएगी। मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट।